जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी पटेल है। किन मांगों को लेकर के आए हुए थे आप लोग भी? किसानों की मांगे हैं, जैसा कि देख रहे हैं, चाहे गेहूं की फसल में किसान परेशान थे अपनी फसल बेचने के लिए, इसी तरह धान को बेचने के लिए किसान परेशान है। ये बाघा मंडी पड़ती है आपका बिशंडा ब्लॉक तहसील बबेरू पे। काफ़ी दिन से किसान परेशान है, मुझे फ़ोन भी किया था। मैं बाहर थी, सुल्तानपुर से इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आई हूँ जिला अधिकारी महोदय से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ कार्रवाई करते हैं, बल्कि मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार तो बड़े वादे दावे करती है कि किसानों को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसानों ने दोबारा भी इनको सत्ता दिया है इस उत्तर प्रदेश की जनता ने, लेकिन किसानों के साथ वही बर्ताव है जो पहले हो रहा था। मैं मांग करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, जो सरकार बनने जा रही है, कि जल्दी इन किसानों का धान तौल जाए। अगर नहीं तौला जाएगा तो हम इसके लिए आंदोलन या अनशन करने के लिए बात दूंगी, जिसके जिम्मेदार संपूर्ण बांदा जिला प्रशासन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। कहाँ से आए आप लोग? ग्राम मरौली से हम, ब्लॉक बिशंडा तहसील बबेरू से। किस तरह का मामला लेकर के आए हैं आप लोग? ये हमारा जो कोरल सहकारी समिति केंद्र बाघा है, धान खरीद जो होती है हमारा, लगभग वहाँ से एक महीने से धान पड़ा हुआ है, और जो केंद्र प्रभारी है आश्वासन देते रहे कि हम तुम्हारा तौल देंगे जो है, लेकिन अभी तक तौल नहीं हुई। तो हमने कई बार इस डीएम साहब तर्रा को भी ज्ञापन दिए हैं, 19 फरवरी से लगातार हम ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, 7 तारीख को बांदा में डीएम महोदय जी को भी ज्ञापन दिए हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग कितने लोग परेशान हैं इसमें? लगभग जो है किसान लगभग 5-6 हैं, लेकिन धान जो है उसमें लगभग अभी 400-600 कुंटल होगा लगभग। अच्छा, अगर ये किसान नहीं धान नहीं खरीदा जाता तो कितने का नुकसान होगा लगभग? अब ये आप जो है समझ लीजिए कि लाखों का नुकसान तो हो ही जाए कम से कम। अभी आप लोग जिलाधिकारी के पास आए थे, मुलाकात हुई आप लोगों की? मुलाकात हुई जिलाधिकारी साहब से हमारी, जो है क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है, जो है पहले तो कह रहे थे कि धान जो है अब खरीद बंद हो चुकी है, नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने फिर का रिक्वेस्ट किया कि आपके जो है आसरा लेके आए हैं, आपके जो है दरबार में भी आप कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा हो। उन्होंने जो है कहा कि देखो हम कुछ करते हैं, ऐसा आश्वासन दिया हमको।